नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। कौन है किसके साथ, अविश्वास प्रस्ताव के बाद उलझ गई है सियासी केमिस्ट्री। जी हाँ, ये अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक 2019 का लॉन्चिंग पैड था, लेकिन कहीं ना कहीं अब सियासी केमिस्ट्री उलझती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोनों पक्ष इस मौके का उपयोग अपनी अपनी केमिस्ट्री और गणित को मजबूत बनाने में कर रहे थे। पक्ष विपक्ष ने दोनों विषय में स्कोर करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वोटिंग के बाद दोनों खेमों को अंदाजा लग गया कि आम चुनाव से पहले उन्हें अभी बहुत कुछ करना शेष है। विपक्ष के 18 वोट कहां गए? जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष को कुल 126 वोट मिले, लेकिन जिन दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वोट देने का ऐलान किया था उनकी संख्या को जोड़े तो कुल 144 सांसद होते हैं। सरकार के खिलाफ यूपीए के 64, टीडीपी के 11, लेफ्ट की 11, सपा के 7, आम आदमी पार्टी के 4, असम की AIUDF की 3 और JDS राष्ट्रीय लोकदल, INLD और AIMIM दलों की संख्या जोड़ ले तो ये 144 हो जाती है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि 18 MP कौन थे जो वोट करने के लिए पहुंचे ही नहीं, और ये किन दलों के थे। जैसे कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ प्रस्ताव के दौरान भी भोपाल में ही मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 2 और सांसद सदन में नहीं पहुंचे। आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो 18 वोट गायब हुए हैं इसने कांग्रेस की चिंताओं को बढ़ा दिया है, और कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव के बाद सियासी केमिस्ट्री को और ज्यादा उलझा के रख दिया है। डेली डायरी की रिपोर्ट।